ये श्री राम भजन जी ऊपर बैठिए। पूज्य मंत्र प्रज्ञाशील जी, मंत्र जो अभी आए हुए सुमेध भंत जी, और यहाँ सामने बैठे हुए हमारे बीच में जैसे करुणाकर भट्ट जी और हमारे शिव स्वरूप अस्मी जी और जितने साथी आए हुए हैं, सभी को मैं जय भीमो उदय बोलता हूँ। बहनों बच्चों सभी का आदर करते हुए जय भीमो उदय बोलता हूँ। और आज दादाजी के इस प्रोग्राम में दो मिनट का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, इस इलाके में अगर कभी मुलाकात हुई है, जो हमारे विचारों का संबंध होता बहुत बड़ा होता है। ये चूंकि बाबा साहब भगवान बुद्ध के हिसाब से और भी संबंध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये धर्म का विचार का मामला होता है। इन्होंने जो भी किया, आज के करीब 22 साल पहले इन्होंने मंदना पास भवानीपुर में ये बैठे थे, कार्ड लिए हम पहुंचे, हमें भी कार्ड मिल गया। एक विजय कमल की बेटी शादी थी, उन्होंने जब छपवा रखा कार्ड, वो कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हमारे एक जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी बेटी शादी किया, तो हमने कहा फिर कही और हमें कुछ नहीं मालूम, कार्ड हमने छपा लिया और सुबह दिन में बरात डाली। उस शादी के जो हमसे कहा, हमसे बोले दादा इधर आओ कुछ करो, तो हमने बताई दादा बात करो, कही बात भी करनी है और शादी भी पढ़नी है। हम वहाँ गए थे तो हमने दिन में सब व्यवस्था कर करके छुट्टी लेकर पहुँच के शादी पढ़ी दिन में। तो उस समय उस गांव में हमें लखनऊ वालों के नाम पर जानते थे, इसके बाद इतने खुश हुए जिसका कोई जवाब नहीं कि आज बहुत अच्छा लगा दिन में प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह एक भावना जब होती है, अब ये बातें अच्छी लगती है, हम लोग बात करते रहते हैं। और पहली बात तो बुद्ध बिहार में है, इस हिसाब से और इनकी एक मन था कि हम इस बगिया को बुद्ध बिहार में बदलूंगा। और इसके बाद में अभी बीच में जब बीमार हुए पिछले साल तब घर गए, तो इतनी हालत खराब थी कि छत पर से नीचे नहीं उतर पा रहे। तो देखने गए हम थे भाई रमेश बौद्ध जी, तो फिर जी ने इन्होंने को गोली लेके नीचे उतारा। तो हमने देखा परिवार ने इनकी बेहतर सेवा की, बताए कि हमारी सेवा कोई कमी नहीं है। तो इस तरह और ये सही बात है कि जब मेरा जन्म होता है, सबका जैसे जन्म होता है ऐसे मेरा जन्म हुआ है। और भगवान बुद्ध के हिसाब से हर समय हर चीज बदलती रहती है। जैसे मैं जन्म लिया था, धीरे बदलते बदलते बड़ा हुआ, शरीर बड़ा हुआ, करते करते आज दिन हम इसी स्टेज पर आ गए। और लगभग उसी हिसाब से, और मैं ये भी जानता हूँ मेरे पिताजी खत्म, मेरे पिताजी के पिताजी खत्म हुए और कल दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो हमारे बीच से जाता है आदमी, तो थोड़ा दुख जरूर होता है कि ये जगह की भरपाई कैसे होगी। उस भरपाई के लिए जब ये होता है, तो पहली बार जो सच्चाई है तो हमें उतना दुख नहीं होना चाहिए। बहुत लोग रोते गाते और फिर वो अपना दुख करते हैं, इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सच्चाई को जानते हुए, तो कम से कम इसमें हम सहन शक्ति के हिसाब से रहें कि जब सच्चाई है, इस सच्चाई के हिसाब से हम इस प्रोग्राम में जो बड़े भाई हैं, ब्रजकिशोर जी के बेटा है, अब मन्नू है, और सभी भाई हैं, बहन है इनके, और इनके बहनोई हैं, दामाद हैं, जितने सगे संबंधी हैं, मैं अपनी तरफ से और इस समाज की तरफ से मैंने ऐसा